क्या कह रही पापा को है ना नीनी? नंदिनी बेटो, पापा नंदिनी को खिला रहे कि नंदिनी पापा को खिला रही है? ये क्या है इस हाथ से, क्या करते हो ऐसे? नंदिनी आ गई अपनी बुआ जी के यहाँ से, शादी में घूम के आ गई। आ गई शादी में घूम के। क्या लाया पिताजी के लिए? भाई सुन, रसगुल्ले पिताजी को देकर आया। देखो भाई शादी में से रसगुल्ले लाया पिताजी के लिए, लड्डू और रसगुल्ले पिताजी को देने आया। हाँ भाई, सबको दे रहा क्या तू? हैं, चाचा को भी दे दिए हैं? गिन ला क्या इन्हें? ये चाचा की खतर बचा कर रखे क्या तुमने? अच्छा चाचा रोटी खा रहे है पहले, बाद में देगा रसगुल्ले ने। अच्छा ये दिए थे पहले, खा लिए चाचा ने? खा लियो अभी। चाचा जी धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। धूप में बैठ के बाद में खा लेंगे इस मसीले के। अब का किसे देखा होगा है भाई? आरुष अब का किसे देखा? ये मैं खाऊंगा, माँ को नहीं देगा तार है भाई। दोनों खा लगा तू, लड्डू भी रसगुल्ले भी है भाई। शादी में नहीं खा आया तू रसगुल्ले? नहीं, यही खाऊंगा। क्या बना रहे हैं? मैं क्योंकि मैंने रात भी खाना नहीं खाया, सुबह मैंने एक कप चाय कॉफी पी और दो बिस्किट खाए, वो बच्चों ने चीनी बिस्किट भी सारे लेकर भाग गए। भाभी जी खाना बना रही है और प्रीति कपड़े धुलेगी, ये सारे बैग भर के गए थे शादी में। और चाचा और पिताजी खाना खा रहे हैं और इधर माता जी भी खाना खा रही हैं। लो ये अपना ईजी और ये सर्फ एक्सल। गर्म कपड़े सब लगा दिया ढेर, सब लगा दे, धूप अच्छी है। एक एक बार पहन के क्यों दो? इन्हें तीन चार बार पहनने के बाद धोया करो, मन नहीं मानता, गंदे करते बच्चे। हाँ जी धोए नहीं कपड़े? तो हाथ से क्यों धो रहे सारे, उसमें ही धोते नहीं? ये उन्हें कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते, निकाल लेते। इजी से धो रहे ना? इजी वॉश। कुछ कपड़े धुल दिए, वो पड़े हैं चार भाई के छत पे, उनको फैलाने जाना है। और कुछ ये धुल गए, धुल चुके हैं जो टंगे हुए हैं, और बाकी कुछ कपड़े। अरे वाह, यहाँ तो ब्लेजर वगैरह भी धोए हुए हैं। ये कैसे किया? ब्लेजर को भी जी वॉश किया है, अपने कोट को भी जी वॉश किया है। बाकी चल ही रहा है काम, ये भी ऊनी कपड़े हैं, इजी से धुलेंगे। और साड़ी वाड़ी सब हाथ से धुलेंगे। Thank you.
जिथे भी तू चलना वे माही वे तेरे पीछे पीछे चलना। जिथे भी तू चलना माही वे तेरे पीछे पीछे चलना। निकल लो चार पाई। एक रात की शादी और एक गठरी कपड़े। लेकिन हमारे ही जाना है सब, इतने लोग एक शादी में, बाकी किसी के यहाँ एक कार्ड आ जाए इतने लोग नहीं जाते, एक ही आदमी जाता होगा। हमारे यहाँ एक कार्ड पे जाते हैं 12 आदमी। जहाँ इज्जत हो वहाँ तो सभी चले। देखो जहाँ पूछताछ हो, मान्यता हो, तो सभी को जाने में फायदा है। बाद में कहता हो कोई नहीं कि कार्ड एक आदमी का दिया था, ये 12 लोग आ रहे हैं। जब बार बार फोन करके बुलाता हो, कितने फोन आए कल, सब आओ, सभी आओ, सभी आओ हैं। पहला दिन देखिए रस्सियाँ कई सारी भर गई हैं, इतने सारे कपड़े धुले हैं। और नीचे रह रहे अभी धूप है थोड़ी सी, सूरज है अभी तो सूख जाएंगे। सुखा तो दिया है वॉशिंग मशीन में ही, ड्रायर में, और थोड़ी सी हवा निकल जाए, थोड़ी धूप लग जाए तो बस सूख जाएंगे सब कपड़े। कोट और ब्लेजर ये सुखाए नहीं मशीन में। चूल्हे में जलती है लकड़ी, ये लकड़ी चूल्हे में जलती है। गुस्से भी जलती है, गुस्से भी जलते हैं, गुस्सों के साथ लकड़ी भी जलती है। लकड़ी तो आग में जलाए, आग में जलाए चूल्हे में इतना बहुत जो कि टूट जाएगा, फिर उसका बनाऊंगा, फिर रोके तो फिर वो आसमान मेरे को पटक जाएगा। रॉकेट बनाएगा? हाँ, आसमान में उड़ने वाला, आसमान में फिर वो पटक जाएगा। अच्छा, दीपावली वाला रॉकेट जो आसमान में जाके पटकता है। हाँ, इतना होता नहीं, नहीं धमाका होता है, धमाका होता है। मुझे भूख लगी थी गन्ने की, वो गर्म होता है गन्ना। गन्ना धूप में रखा था, गन्ना गर्म होता है और उसी को भूख लगी थी, इसलिए कह रही है पापा गन्ना छील के दो। मैंने गन्ना छील दिया इसके लिए, और बच्चा पार्टी सबको गन्ना छील के देता हूँ, ये अपने आप गन्ना छील नहीं पाते हैं, चूस लेते हैं बाद में। और प्रीति उधर कपड़ों की तह बना रही है, जो कपड़े धुले थे दोनों आगे है छत पे। हम उसी को इतना बड़ा गन्ना देता हूँ छील के, तब ये चूसती है इसको। क्या अच्छा, इतने मोटे को भी नहीं चूस पाती है, इसके दो छोटे पीस बना के देने पड़ते हैं। अब ये इसको थोड़ी सी देर में चूस डालेगी और फिर कहेगी पापा और दे दो दूसरा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी चूसती है गन्ना। चूस के जूस अंदर चला गया गन्ने का, और ये छिलक नीचे गिरा दिया। दो कुत्ते आते हैं शाम को हमारे यहाँ, दोनों को एक एक रोटी खिलाई जाती है। एक पीछे खड़ा, एक आगे खड़ा। ये रोटी के लिए आते हैं यहाँ, एक रोटी उसकी और एक रोटी इसकी। ये तो गरम गरम खा ले। तीन आ गए आज तो अंधेरे में, ये काला तो दिख भी नहीं रहा, भाग गया। और ये बहुत आराम से खाती है अपनी रोटी धीरे धीरे। चाचा जी ध्यान रखते हैं इनका, कुत्तों का, इनको रोटी खिलाते हैं जरूर जब भी ये कुत्ते आते हैं।